DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in. भारत और चाइना के बीच में काफ़ी समय से तनाव की स्थिति देखने में आ रही थी. लगातार चाइना हावी होता नज़र आ रहा था और आज बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के 3 जवान चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, उनके प्रति सतर्कता नहीं रखे हुए और आए दिन कभी पाकिस्तान बॉर्डर पर, कभी चाइना बॉर्डर पर और कभी देश के अंदर ही आतंकवादियों का शिकार हमारे देश के शहीदों को होना पड़ रहा है. मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है कि अपने देश में देश के सैनिकों की रक्षा के लिए, जो हमारे देश की सीमा पर तैनात हैं, उन सैनिकों की रक्षा के लिए पूर्ण सतर्कता बरतें. और जो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, यानी जो विदेशी मुल्क हैं, हमारे देश के दुश्मन हैं, उनसे लड़ाई लड़ने में किसी तरह की कोताही ना बरते और उनसे बदले की भावना के रूप में उनके विरुद्ध हमें संघर्ष करना चाहिए. और पूरा देश इस मामले में केंद्र सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ है. शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस सिवादल अजमेर. चीन ने जो 2 जवान, 3 लोगों को मार गिराया, वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जगह इंडिया के रक्षा मंत्री को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि कुछ एक सेटिस्फैक्शन मिल सके इंडिया को. क्या कहना चाहोगे मोदी जी से? मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई एक ठोस एक्शन ले, जिससे कि चीन बार बार ऐसी हरकतें ना कर सके कि वो इंडिया के सोल्जर्स को मार रहा है. वो आए दिन फाइट होती रहती है बॉर्डर पे, तो ये भी बहुत ही गलत चीज़ है. आपका नाम? अपूर्व गुप्ता.